किसी भी कॉलेज में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर तीन तरह की एक्टिविटीज होती हैं, एक होती है करिकुलम, फिर को करिकुलम और तीसरा एक्स्ट्रा करिकुलम। ये जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है, इसका मकसद क्या होता है? इसका बेसिकली बेटा मकसद ये होता है कि आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बीच में एक ब्रेक आए, आपके लिए एक एंजॉयमेंट का फैक्टर हो और साथ आप थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाओ और फिर दोबारा से स्टडी स्टार्ट कर सको। आज हम लोगों ने जो आपको मूवी दिखाई, आप लोगों ने आई होप तो आप इन्जॉय कर रहे हो। और मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट बात है, बिलीव मी कि आप लोगों को खुश देख कर ना हम लोग खुश होते हैं। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जब उनके चेहरों पे स्माइल आती है तो हम लोग उस स्माइल को देख कर खुश हो रहे होते हैं। और जैसे आप सेशन गुजरेगा हम लोगों की, हम लोग आपके समर में ही एक स्पोर्ट्स का डे भी रखेंगे, आपका एक टूर भी अरेंज करेंगे किसी दूसरे शहर का, लाहौर का जो या किसी और शहर का, इस तरीके से और भी एक्टिविटीज़ होंगी। आप लोगों ने लास्ट वीक भी देखा था, इस एक्टिविटी से फ़ायदा क्या होता है? इस एक्टिविटी से बेटा फ़ायदा ये होता है कि ग्रूमिंग होती है, कॉन्फिडेंस आता है, आप में स्किल डेवलपमेंट होती है और ये सारा इसका फ़ायदा होता है। ऑब्वियसली जितनी जो आप पढ़ रहे हो ना, इसमें आपके मार्क्स आना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम पाकिस्तानी जो है पीछे हैं, वो क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, ग्रूमिंग। हम लोगों की वो ग्रूमिंग उस तरह से नहीं होती जिस तरह से दूसरे लोगों की होती है। आप बड़े शहर में जाएँ वहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मिलती हैं। तो हम लोग, क्योंकि मैं खुद बाहर से पढ़ा हूँ, तो मेरी ख्वाहिश होती है कि हम लोग जो है मैं अपने बच्चों को वैसे ग्रूम करूँ जैसे किसी बाहर के शहर के या बाहर के मुल्क के लोगों के लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। मंडे को 9:30 पे आप सब ने अपने पेरेंट्स को साथ लेकर आना है। हम लोगों ने मंडे को रेगुलरली प्रॉपरली एडमिशन ओपन करने हैं, और जो एडमिशन हैं उसमें सिर्फ हमने ये नहीं करना कि एडमिशन ओपन है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, बल्कि हमने अनाउंस करना है कि स्कॉलरशिप क्या दे रहे हैं। हमारे स्कॉलरशिप ज़्यादा होते हैं। इसके बाद बेटा जो अगली बात थी, इन्फ्लेशन है बहुत, आप सब जानते हैं कितनी महंगाई है आजकल पेरेंट्स के लिए, एक हेल्थ केयर और एक एजुकेशन, ये सबसे बड़ा एक्सपेंस है। पाकिस्तान में दो ही चीज़ें महंगी है, एक इलाज और दूसरी एजुकेशन। ये एक ब्लेसिंग है कि हम लोग आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं काइंडली। सब टाइम आप सोच रहे होते हो कि कनकोडिया कॉलेज है, बीकन हाउस का प्रोजेक्ट है, एसी क्लासरूम में चले होते हैं, मतलब इतनी बिल्डिंग है इतनी बड़ी, पता नहीं इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। आप ये सोच कर आप अप्लाई नहीं करते, आप कोशिश ही नहीं करते, हालांकि आपके इतने अच्छे मार्क्स होते हैं कि उन मार्क्स के बेस के ऊपर आपकी जो फीस होती है वो बहुत थोड़ी बन रही होती है। आप क्या होते हैं, आप कहते हैं मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकूंगा, मेरे तो पेरेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे, और आप उस समय क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं, आप किसी सब स्टैंडर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं, फिर आपको क्या करना पड़ता है, ट्यूशन पढ़नी पड़ती है वगैरह वगैरह, जिसका अल्टीमेटली आपको बाद में क्या होता है, नुकसान होता है, वो महंगा पड़ता है। मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि स्टूडेंट्स आए, उन्होंने कहा जी एडमिशन लेना है, हमने कहा ये आपका फीस स्ट्रक्चर है। बिलीव मी वो बहुत शुरू में आए और उनका फीस स्ट्रक्चर इतना थोड़ा बन रहा था कि वो आसानी से अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने लेट किया, इतना लेट किया कि रिजल्ट आने के बाद आए, उस वक्त तो उनका फीस स्ट्रक्चर बहुत ऊपर चला गया था, तकरीबन 30,000-35,000 जा चुका था। उन्होंने कनकोडिया में एडमिशन नहीं लिया, उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फिर एक महीने के बाद वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा सर हमें वहाँ ट्यूशन पढ़नी पड़ती हैं, वहाँ क्लास में टीचर्स नहीं आते, आती हैं तो पढ़ाते नहीं हैं, टेस्ट नहीं होते, तो मैं तो पछता रहा हूँ, आप मेरा कुछ करें। तो बेटा उस आप अपने पेरेंट्स से बात करें, उनको बताएं कि मंडे को आप लोगों ने कॉलेज आना है एक दिन के लिए, और उसमें हम आपको स्कॉलरशिप बताएंगे कि बेटा जो अब हम स्कॉलरशिप अनाउंस करने जा रहे हैं ना मंडे को, ये पिछले साल से भी ज़्यादा स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप के बाद साहिवाल में किसी भी कॉलेज की फीस हमारे से कम नहीं होगी, बस मैं इतना बताना चाहता हूँ। लेकिन किन को होगा फ़ायदा? जो अर्ली एडमिशन लेंगे, जो लेट करेंगे उनके लिए फिर प्रॉब्लम होगी। तो आप अपने सारे पेरेंट्स को लाइएगा उनके साथ हमारा, मैं खुद उनके साथ एक सेशन करूँगा, मैं उनको पूरा फीस स्ट्रक्चर बताऊँगा, मैं स्कॉलरशिप बताऊँगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। Thank you.